कि जब साउथ गोवा लोकसभा की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य होकर, तब सब्द सर से कमल के संधान है पल्लवी टेम्पो सुनो। सागरों के शांत जल में ज्वार का निर्माण भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान है पल्लवी टेम्पो सुनो। पहला इंडियन बोला तो थोड़ा अलग से हम लोग को लोग देखते थे, आज हमारा पहचान इतना अच्छी तरह से लोग देखते हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन है, मतलब गौर की बात है। मान सम्मान आपका इतना बढ़ गया है कि आप मतलब यू रियली फील प्राउड, आप ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। हमारे जब प्रधानमंत्री रहते थे, बाकी खास करके हमारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसे ही खड़े रहते थे, मतलब कोई देखता भी नहीं था इंटरनेशनल मीट पे। आज देखो मोदी जी को, मोदी जी आगे जाता है, पीछे पीछे अपना जो बाइडन भागता है, ऐसा 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 टैपिंग करके ऐसा बाद में उसको पकड़ लेता है या गले लगा देता है। ये क्या दिखा रहा है, अपना इतना वैल्यू बढ़ गया है। मैं चाहूंगा जो 5 वर्ष में एक बार ये मौका आता है आपका योगदान करने का, मोदी जी को का मदद करने का, ये योगदान का आपका ओ टाइम सफल हो जाएगा। बटन दबाकर कमल को, पल्लवी डेम्पो को आप चुना के लोकसभा भेजेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा और आपका भी बड़ा से बड़ा योगदान हो जाएगा। मोदी जी का जो चुना हुआ, मोदी जी का सबसे ज्यादा इसमें योगदान है। उनको एक अच्छा somebody different जो पॉलिटिशियन के फैमिली से नहीं है, एक फ्रेश एयर, एजुकेटेड, और वो भी जब हम लोग 30% रिजर्वेशन का बात करते हैं, 50% रिजर्वेशन दिया हमें पल्लवी डेम्पो मोदी जी ने दिया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और इनके पास मैं यही पूछूंगा, क्या नहीं है, क्या है वो नहीं बताएगा, क्यों द रिचेस्ट फैमिली इन गोवा, नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, सब कुछ है इनके पास। वो पहले तो मड़गांव में रहने वाली तिमलो फैमिली, उसके बाद अभी शादी के बाद पंजिम में डेम्पो फैमिली, मतलब क्या उनके पास नहीं है, मतलब उनको भी लगा कहीं ना कहीं दिल में लगा, या उनका नसीब में समझता हूँ, जो हमें मिला कुछ तो समाज को दे दे, कुछ तो गोवा स्टेट के लिए मैं करूँ, गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। ये जब उनके मन में विचार आया तो ही उन्होंने मोदी जी को ना नहीं कहा। जब मोदी जी ने उनसे कहा आप लड़ सकते हैं, हमें एक महिला चाहिए साउथ गोवा लड़ने के लिए, खुद मोदी जी का फोन आया, बताया आप साउथ गोवा सीट कॉन्टेस्ट करो, इसलिए ये आज हमारी साउथ गोवा की कैंडिडेट है। पल्लवी जी को कुछ लेना नहीं है आप सब लोगों से, उसको खाली देना है, एक ही मांग रही है, आपका वोट मांग रही है, बीजेपी आपका वोट मांग रहे हैं, काम इसीलिए कि देश मजबूत हो जाए। जो मैं समझता हूँ इस देश का बड़ा भविष्य है, मोदी जी जैसा लीडर है, इस देश का भविष्य और उज्जवल हो जाए, मोदी जी के नाम से वो वोट मांग रही है, अपने खुद नाम से वोट मांग रही है, और मैं भी आपसे मांग रहा हूँ कि जरूर उनको वोट दीजिए, मौका दीजिए काम करने का, कुछ ना कुछ आपके लिए करने के लिए, आप गोवा स्टेट के लिए करने के लिए, और देश के लिए करने के लिए। लोगों का मन ऑलरेडी बन चुका है, और गोवा में मैं कोई दूसरा स्थिति नहीं देख रहा हूँ, जो हमें मेरा समझ में है, जो इस बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार जो मोदी जी का स्लोगन है, मैं समझता हूँ वो 400 में 2 सीट हमारे ऑलरेडी उसके क्षेत्र में हम लोग डालने वाले हैं। और खास करके हम सब लोगों को खुशी यही होगी कि दक्षिण गोवा की सीट जो हमारा कैंडिडेट है, वैसे आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन तो हम लोग है ही इधर मंच पे जो बैठे हैं, लेकिन पल्लवी डेम्पो तो कभी पॉलिटिक्स में थी ही नहीं, वो एक एजुकेशनिस्ट है, एक पब्लिशर है, नवीन टाइम सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर उनका है, नवप्रभा मराठी न्यूज़पेपर ऐसा पब्लिकेशन है, और उसके साथ साथ कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो मतलब लोगों को बढ़ावा देता है शिक्षण में, ट्रस्ट है,
लोगों के पास पहुंचना, ऑलरेडी ये सुविधा उनके पास थी और ये काम वो करते आए हैं। मैं हमारा समझ जो है गया 25 साल ये काम करती रही है, मतलब जो संपर्क लोगों के साथ है एक दूसरा ही संपर्क था, लोगों को सिखाना, लोगों को मौका देना और शिक्षण के साथ। इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं गोवा में मतलब हमारा स्टेपल फूड क्या है, राइस करी है, जैसा बंगाल में है। ओके, हम बोलते हैं कि गोवंस कैन नॉट डू विदाउट फिश करी राइस। वैसे और एक चीज है, वो क्या चीज है आप जानते हैं ना, क्या है? फुटबॉल, बहुत पसंद करते हैं फुटबॉल स्पोर्ट्स, हमारे गोवंस बहुत पसंद करते हैं। और जो फुटबॉल में योगदान जो डेम्पो फैमिली का है, मैं ऐसा समझता हूँ कि गोवा में और किसी का उतना ज्यादा मतलब योगदान नहीं है, तो आप इसका थोड़ा समझ ले लो एजुकेशन में, सोशल सर्विस में थ्रू देयर ट्रस्ट, पब्लिकेशन लोगों को बताना जो फोर्थ स्टेट हम लोग कहते हैं, और फुटबॉल, ये सब मिलाकर इट इज अ वेरी हेडी कॉकटेल, मतलब बहुत ही मजबूत जैसा एक चीज है। और उसी घर से जो मतलब उसका हस्बैंड श्रीनिवास देम्पो है, जो अभी भी गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष है, इतना साल उन्होंने काम किया और इंडस्ट्री लाने के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए लोगों को सलाह देना, खुद का इंडस्ट्री बनाना, माइनिंग भी किया हुआ है। And a couple of things which we need to, you know, realize, especially, you know, in order to face the outside world. And, you know, Modiji has actually stressed on woman empowerment, you know, at large. Lok Sabha, Vidhan Sabha, tani 33% tani arakshan tani kelle asa tumka sagalyan khabar asa. Ani sagalya bailan bitar amka tank asta. You know, whether ghar sansar chalupi asu na zalyar ami kaam karpi asu. सगळी जाणं आम्ही सगळ्या शेतांनी खंयच्या क्षेत्रपय आम्ही वतात थंय थंय आम्ही बऱ्या प्रमाणे आम्ही काम करतात। गोयच्या गव्हर्मेंटांनी लाडली लक्ष्मी स्कीम, तांच्यो अडोलसंट गर्ल्सांक स्कीम बरे तरेन स्कीम एक काढल्या, मागीर यु नो स्पेशली फॉर यंग मदर्स तांकां क्रॅश फेसिलिटी दिवपाक ती बरी तरेन स्कीम काढल्या, तुमकां सगळें खबर आसा हें। आनी भारतीय जनता पार्टीन सरकारान तांणी भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तुम्ही त्यांचे पाहिल्या, राईट फ्रॉम 8 लेन जुवारी, यु नो, आणि एक्सप्रेसवेज टू NIT कॅम्पस टू IIT कॅम्पस, माई फोण्यान नॅशनल फॉरेन्सिक युनिव्हर्सिटी आणि मनोहर परिकर बायपास रोड, माई मोल्याची बायोडायव्हर्सिटी पार्क जो पण असा, त्यांनी सगळे असले बरे तरेन नॅशनल लेवलाचे त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स त्यांनी केल्या आणि खरीच बरी गजाली गजाली सगळ्यांक। आमकां 7 मे मतदान दीस, म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी सगळीं आमकां बऱ्या मतांनी आमकां निवडून हाडटली म्हणून ती आमची मना पुसून सगळ्यांक मागणी तुमकां। सगळ्यांक येवकार। साऊथ गोवा कॅम्पेनिंग चालू आहे पल्लवी देंपोजी, आणि ती दाबोळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन असली, सो फर्स्ट टाईम ती ॲक्च्युली इंटरव्ह्यू दिवपाक रेडी झाली आणि थोडेसे प्रश्न कारण तिची फुडल्यांनी कॅम्पेन उरल्या, आमकां थोडेसे प्रश्न विचारपाक मेळटा। मॅडम वेलकम, तुम्ही आता अनाउन्समेंट झाल्या पासून आता वेरियस कॉन्स्टिट्युएन्सीस कवर अप केले, कितलेशे कवर झाले आणि लोकांचा रिस्पॉन्स कसा आहे? आम्ही आतापर्यंत 20 मतदारसंघांनी आम्ही गेल्या आणि इतलो आमकां आधार प्रेम आणि प्रोत्साहन मेळा की खरेच बरी गजाल, आणि सगळ्यांक हांव देव बरे करू म्हणटा आणि धन्यवाद म्हणटा। आमकां सामको ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स आयला, अजिबात ना, अजिबात ना, लोकांचं वेलकम बरं असतं सामको, ताका लागून म्हणलं न्ही हांवें ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स म्हणून फ्रॉम दी एन्टायर पब्लीक, सगळे 20 मतदारसंघांनी। आणि आता आम्ही वास्को पासून आता सेकंड आयल्या, आम्ही मडगांवां सेकंड टायम गेल्या, फोण्या सेकंड टायम गेल्या, एक राऊंड कंप्लीट झालो संडे, आता सेकंड राऊंड लागले। हय करेक्ट। मॅडम तुम्ही वेरियस एरियांनी भोवता, थंयचे थंयचे इशू आम्ही थंय कवर करतात, दाबोळे म्हणून मेनली दाबोळे एअरपोर्टाचा विषय विचारता, कित्याक ऑपोजिशन म्हणता की
पॅसेंजर कमी जावपाक लागल्या, दाबोळी बंद जावपाक शकता. सो तुमचे एश्युरन्स कितें? तुमकां सांगा तशें, दाबोळी एअरपोर्ट वील ऑलवेज बी देर अँड इट्स ऑन एक्सपान्शन मोड. आतां दोन एरोब्रिजीस पसून येतात, सो इन द नेक्स्ट वन इयर्स गुड बी कम्प्लिटेड. सो दाबोळी इज देर टू स्टे. तुम्ही एमपी जाल्यार तो उरपा खातीर सदांच प्रयत्न करतले. डेफिनेटली, डेफिनेटली, फॉर शुअर. For sure. Both would be essential, right? Mopa would be essential and Dabuli Airport will be essential. Doni, samke, full. Fully supportive. लोकांमध्ये भोवता, लोक तुमचे इंटरॅक्शन करता असताना पहिले लोकांचे एक्सपेक्टेशन किती आहे आणि हाऊ यू विल फुलफिल इट? नो, वील टेक इट अप शॉर्टली. किती किती एक्सपेक्टेशन आहे इन शॉर्ट सांगपाक जाल्यार? पहिली म्हणतात ते हांवें ऑडी अनाउन्स केल्या की निवडून येतरी हांव कार्यालय एक सेटअप करतले म्हणून. आनी दुसरें, गोंयच्या विकासा खातीर, दक्षीण गोंयच्या विकासा खातीर हांव थ्रू एम पी एल ई डी स्किमांतल्यान जाता तितले प्रयत्न करतलें टू गेट यू नो मोर एंड मोर स्किम्स. या ऑफकोर्स एवरीथींग पूट टुगेदर. इलेक्ट जावन येले उपरांत जशें नारी शक्तीचे मोदी, पी एम मोदी जी म्हणटा, सो तुमकां मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी येयल्या. मोदीजीज विजन फॉर शुअर. तुमकां एक मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तुमी रेडी आसतली वयल्यान दिले ते मागीर पळोवया. हय, या वील टेक इट एज इट कम्स, बट राईट नाव आय एम जस्ट कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन अ पॉझिटिव्ह कॅम्पेन ओवरऑल. सगळ्यांक येवकार. बीजेपीची कॅम्पेन नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा नेटान चालू आनी मागीर साऊथ गोवा जंय साऊथ गोवाचो तेंचो कँडिडेट पल्लवी देंपे दाबोळी मतदारसंघान कॅम्पेन करता आनी तेंच्या वांगडा हा गोंयचे मिनिस्टर माविन गुदीन बाब जे आपले कॉन्स्टिट्युएंसीन तेंकां कँडिडेटाक घेवन भोंवता. सर ओवरऑल कॅम्पेन रिस्पॉन्स कँडिडेट नवो आहा ती पॉलिटिक्सान केन्ना नासली, पण तुमी कँडिडेटाक घेवन लोकां मुखार वयता, लोकां मदीं वयता, कसो रिस्पॉन्स येता? आज दुसरे खेपे ती आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन पावता आनी म्हाका दिसता इट इज अ ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. इतलो बरो लोकांनी येवकार दिला, मातशें पूण शंका ना, कोणाकूच शंका ना की ती जिखता म्हूण. आनी दाबोलेतली खात्रेन हांव सांगपाक शकता शी वील गेट डबल द लीड. एवरी लोकसभा इलेक्शन आमकां 3,000+ लीड मेळिल्ली आहा हेजे आदी, पूण हे खेपे शी वील गेट डबल द लीड हांवें ते सांगला. आनी हांव पळयता आनी म्हणजे हांव माझ्या दोळ्यांनी पळयतां लोकां कडेन वयता तिंगा लोक इतलो ते बरो येवकार दिता. आतां आमी ईद म्हूण म्हाजे फ्रेंडा कडेन आयिल्ले बाबा अब्दूल आनी तेजे सगळे फॅमिली मेंबर्स आसा, तेय ताका तेच सांगताले वी वेलकम यू एन्ड वी आर गोयींग टू फुली सपोर्ट यू. आनी कित्याक यू आर अ न्यू फेस एन्ड समबडी डिफरंट हॅज कम इन द पिक्चर. आमकां पब्लीक कमेंट खबर आहा, आमी दुसऱ्यांचे आयकतां. So this shows that for the first time, a lady candidate is there, chosen by BJP and none other than our most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Ye maka dista is going to sell in a very big way. Aata tori te kolna, nikal eta terna, avashya te koltale, the opposition candidate will be swept off. Southan record kartali BJP. Southan e party, je kenna jao na, to chamatkar jaopa cho asa. In terms of votes, I am not saying simply, I have the ground assessment because right from Edward Fellero time, I used to work for him as his person. I know what is the feel of the people. Ata kiti jata, social media lagon, ek dog jana ulaila, sagle negative ulaita, te pasarta itle, ki amka te olde news dista. Pun ground reality dusri chasa, ek polarization zalle asa in favor of BJP. Because ultimately lok kide bhaita, kide kam zala, kide vikas zala, कितें हे पक्षान केलां, सरकारान काम केलां काय ना, कोणूच हें म्हणपाक शकना की देशान सुद्दां मोदी येयले उपरांत भरपूर काम जाल्लें आसा. आख्खे वर्ल्डाक पळयता तेन्ना जो मान सम्मान एक भारतीय म्हूण एज अ प्राउड इंडियन जो मान आसलो तो केन्ना नासलो हे भाशेन. वर्ल्ड लिडराक पळयता ताका अशें वचून हेंग मारता, हांदा हात घालता फाटल्यान सोन. वॉट इट शोज द एक्सलंट रेपो at the diplomatic level of our honorable prime minister with world leaders. Tuva dista ye lok tv r poina lok tenche mind te upran formulate karna karta taka lagon vaga dista tina factor ila sa there is no alternative to modi ji. That is what is both north and south as apaja south a tori hav khatren sangpa shakta north hav pavna pun maka sangta bare asa mun. But until I myself have a feel, I don't want to make any statement. But south we are romping home with a comfortable majority of votes. So hey, election khaycha mudyanche mhanje development agenda is the only issue hey election. See, development is one thing,
people having faith in the leadership of Modi ji is another thing. He has taken the country forward by many steps ahead. Ata from 10th largest economy, 5th largest economy zali. And today economies muttar no, we are almost reaching the 4th position. Ek don arsane ami 3rd position. Is this a small achievement? Is this not going to lead to generation of more income, more manufacturing, more retail sale, more consumption and a feel-good situation for everybody? The GST collection is a clear indicator that our economy is growing. Nobody in the world is growing so much. No economy is growing so fast as the Indian economy. So that itself are indicators what Modi ji has done. तो कोई बाकीच्या भाषेत स्लोगन दिता ते बेस्टी नामनेची स्लोगन नाही. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं सबका प्रयास, तो हरे करून दाखवता. सो दॅट इज द फंडमेंटल डिफरन्स. उलयला ते करून दाखयला, तो उलयला उलयता ते करून दाखयता. आणि ताका लागून लोक त्याच्या बरोबर आसा. हिंगा दाबोले आम्ही, माझे कार्यकर्ते, माझे सगळे वांगडा सपोर्टर आहात ते, माझे लोक, ते सद्दां माझ्यावर रावला. ताका लागून हांव बेश्टोच 7 फावटी एलेक्ट जावन येऊ ना. हे फावटी हांव पळयतां, पयलेच खेपे हांव पळयतां फॉर पार्लिमेंट्री इलेक्शन. देर इज सो मच ऑफ एन्थुझियाझम. कित्याक थोड्यांनी कितें जालें, लास्ट इलेक्शन आमकां मातशें दुसरे वेगळे भाशेन सुरी मारली, आहा म्हूण दाखयलें आमच्या बरोबर आनी आमकां सुरी मारली म्हणून आमचें माजन देंवलें. लोक आतां दाखोवपाक सोदतात ते नासतना हे पळय आमी आसा, लोक आसा तुजे बरोबर, हेणी सुरी मारली. सो इट्स अ डिफरंट सिच्युएशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्युन्सी टू कॉन्स्टिट्युन्सी. But overwhelming support is definitely there in every constituency. Maybe there will be one or two aberrations, one or two exceptions may be there. But overall, it's a win-win situation. Sir, South Goan, this issue, main issue, you have to deal with Daboli constituency, the airport, the airport, the opposition, the allegation that slowly the airport burns. How do you handle this issue? Well, one thing is, this issue is very important. एक दाखोवन दिता की हो मुद्दो सोडून तेंकडे कांय दुसरो मुद्दो ना. नंबर वन. नंबर टू, तुवें पयलें आसतलें एअरपोर्ट तुमी पास जाता आसतना जोरान काम चालू आसा. कसलें काम चालू आसा? एक्सपान्शन ऑफ दाबोलीम एअरपोर्ट. एनादर टू एरो ब्रिजीस आर कमींग देर, मिन्स दे नीड मोर पार्किंग फॉर प्लेन्स. एडमिनिस्ट्रेटीव तेंचे बिल्डींग सद्या आसा ते डेमोलीश जावपाचें आसा इन द थर्ड फेज. एनादर टू एरो ब्रिजीस आर कमींग विथ द एक्सटेन्शन ऑफ एअरपोर्ट गोईंग फर्दर डाऊन. नाव यू टेल मी, spending almost 700-800 crores in totality is for nothing? Ani char aero bridge galta kide korpa muntinga, airport dorpa jay mun te galta ni. And it is one of the most prestigious airport in the country, belonging to Airport Authority of India. So the question of closure of Dabolim does not arise at all. Ye best kite flying it is called. It's political assurance kite flying. Central government assurance. Central assurance, sir, and it also depends on our members of parliament. It depends on all of us. After the election, whether it is Made, whether it is Dabolim Airport, we will take it up very, very strongly. Therefore, we want Pallavi Dempo in South Goa to get elected. As a lady, we will also keep pushing her so that she goes every time, whether it is Prime Honorable Prime Minister or the Honorable Minister, she will go and take it up and see that Dabolim never closes. The footfall of tourists is only increasing. It is seven times the population of our state. As against this background, amka doni airports hai. Goa is one small beautiful state with two airports, being a small state, which is going to continue. Where is the question of closure? सर, कँडिडेट आजेले नॉर्थन, जसे श्रीपाद भाऊ जे 25 वर्षां खासदार आहात, प्लस मध्ये आमदार असले, दुसरे ऑपोजिट आहात ते 6 टाइम MLA असले, एकदा खासदार असले, मिनिस्टरू असले केंद्रात, अशी नॉर्थातली सिच्युएशन आहे. तुमकां साऊथाक तिनू कँडिडेट सध्या जे आहात, जेंच्यानी अनाउन्समेंट, म्हणजे BJP धरून, काँग्रेस धरून आणि RG, ते सगळे फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करतात. सो कसल्या प्रकारचं कॉन्टेस्ट आहे? नो सी, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन साऊथ गोवा. She is a fresh face. She is a woman. For the first time, a ticket has been given to a woman, okay, which has gone very well with the people. Number two, she is an educated person. She is a person who need not make money from politics or earn something from politics. She has to only give to the public. She has to give to society. She has to give to our state. So people are thinking all this is there at the back of their mind when they vote for that person.
बेश्टे आवाज केले केवं 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 केले म्हूण आनी केन्ना कांयच्या कांय कितें उलयलें म्हूण वोट पडना तें केवं केवं करपाकूच उत्ता थोडे आहा ते. यू लूक एट दॅट सिनेरो नो शी हॅज गॉट अ बॅकग्रावंड अ गूड सॉलिड बॅकग्रावंड वाय पीपल वील वोट फॉर हर. आणि कँडिडेट जो काँग्रेसीन दिला कॅप्टन विर्या तो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीतलो तुमच्या अगेन्स्ट त्यांनी कॉन्टेस्ट केले विधानसभा इलेक्शन सो तुमच्या आधी मातशी प्रेस्टीज अशी आधी चढ. एक सांगता लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें हांव ताका डिफीट करतलो तेन्ना हांव मुद्दम सांगता खूब जाण तितून पडलेले म्हाका उडोवपा म्हूण हांव फुडलें उलोवपाक सोदना समजने वालेको इशारा काफी आहे. म्हाका सारके डिटेल खबर आहा कोण कोण पडलेले कोणें फंडींग केलें इतले सगळे एक जाऊन तरी म्हाका उडोवपाक जावना ते कडेन जाल्यार ही इज मोस्ट युजलस. एंड दीस टायम इन पार्लमेंट्री इलेक्शन वे ही इज डायरेक्टली कँडिडेट हांव म्हजें माजन डबल करून दाखयता सो ताका डबल डिफीट जातलो. दाबोले माजन डबल जालें म्हणटच डबल डिफीट पल्लवी देंपो ताका हारयता तेन्ना तो दुसरो डिफीट लोकसभा ना आनी असेंब्ली ना अशें जातलें. ओके लास्ट एक क्वेश्चन पी एम मोदीची हे आसले हट्ट आसलो की नारी शक्तीच्या हितूंतल्यान एक वुमन कँडिडेट येवपाक जाय तो गोंयच्यान येवपाचो जालो गोंयच्यान कँडिडेटू दिलो पण एकदां इलेक्ट जावन येयल्या उपरांत तिचो वयर सन्मान जावं जाय तो जातलो किंवां तरी बरें गोंयांक मेळटलें. एक हांव तुका स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां डोंट फॉगेट दॅट शी वॉज द डायरेक्ट चॉयस ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. हेंय लोकांचे लक्षान आहा आनी लोक हे पाटी मोदी वोट दिता कोणा म्हाकाय म्हाकाय दिना आनी तेकूय दिना आनी कोणा दिना आनी हे पाटी आमी तेका पत्तो हाडटा टू बी द प्रायम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टायम. जे का आमचे हे देशाचे भाग्य जावन आसा की असलो लिडर आमच्या देशाक मेळ्ळा तुका आनी म्हाका असलो प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळा आनी म्हाका आनी तेणें जे तेजेच उतरांनी हांव तुका सांगता हे तो स्टार्टर हे हे स्टार्टर आमी सर्व करता ते जेवचे आदी आ ते पळय हे गेले 10 वर्सां आपूण फस्ट स्टार्टर सर्व केला नंतर लंच सर्व करपाचे आसा अशें तेणें सांगलां. हांव तरी समजता हे तेणें दाखयलां ते फक्त ट्रेलर गेले 10 वर्सां अभी पिक्चर बाकी आहे. पिक्चर तो इतना सुंदर होने वाला है देश तो इतना आगे चलने वाला है हम दोनों चौंक जाएंगे हे हांव म्हणपाक शकता. यू एंड आय वील बी सरप्राइज वॉट ही डज इन द नेक्स्ट 5 इयर्स दॅट्स माय विश्वास ऑन हिम दॅट्स वाय इट इज सब्स का सात सबका विश्वास आणि सबका प्रयास आम्ही प्रयास करीत रावपाक जाय आणि त्यांनाच म्हाका दिसता सगळे बरे जातले. वुमन कँडिडेट वयर निवडून दिल्या उपरांत तिंका कॅबिनेट बी तसे वा मिनिस्टर भितर स्थान मेळपाक शकता ते आमचे मान्य प्रधानमंत्रीचेर आसा पण जेन्ना तो तेका स्वतःचे चूज करता टू बी द विमेन कँडिडेट आणि जेन्ना तो नारी शक्तीचे इतले उलयता तो उलयता ते करून दाखयता सो डेफिनेटली एक नारी म्हणून ते चान्स आसपाक शकता आणि व्हडले प्रमाणात आसपाक शकता. वी शूड ऑल बी हॅपी अबाउट इट इफ इट हॅपन्स इन द जिन्होंने ठुकराया राम निमंत्रण जिन्होंने ठुकराया और निमंत्रण उनको आप ठुकरा देना गलती से भी पिछले बार जो जीत गए थे उनकी उनको अब की बार हरा देना उनको अब की बार हरा देना. वो रामद्रोह करते रहे लेकिन आप भाजपा को 400 पार करा देना भाजपा को 400 पार करा देना. जय श्री राम.